एटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है ईएमआई, जिसे लोग इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बोले हैं। आपने सुना होगा कि कभी भी हम ईएमआई भरते हैं, किस्त वगैरह भरते हैं चीजों, तो ईएमआई होता कैसे है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आपने कोई पैसा किसी सामान कोई खरीदा, आपने पूरा पेमेंट नहीं किया, कुछ पैसा लोन करा लिया आपने, तो लोन कराने पे होता क्या है, वो आपको टाइम दे देता है 2-4 साल का रिलैक्सेशन कि 4 साल में 2 साल में जमा कर देगा। लेकिन अगर वो रिलैक्सेशन दे रहा है तो एम ही नहीं देगा, वो उसके बदले कुछ तो लेगा। क्यों? तो क्या लेगा वो हमसे? इंटरेस्ट लेगा। क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा, ब्याज लेगा। यही कॉन्सेप्ट आज की क्लास में। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा ज्यादातर बिजनेसमैन के ऊपर भी बहुत सारे लोन होते हैं, पता है ना एक बार? ऐसा नहीं है कि वो है, बहुत उनके भी ऊपर कर्जे होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनका चलता रहता अच्छा खासा, इसलिए लाइफ उनकी सही चलता है। जो वैसे बहुत पैसे वाले हैं वो भी अगर कार खरीदते हैं, कार या कोई भी चीज ऐसी खरीद रहे हैं, तो एक बार में पूरा पेमेंट नहीं करते। कारण क्या होता है कि अगर एक बार में पेमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट की नजरों में आ जाते हैं कि भाई आखिर इतना पैसा आपके पास से आया है। ब्लैक मनी का मतलब ये थोड़ी होता है कि और चोरी टकारी का पैसा, ब्लैक मनी का मतलब ये भी होता है कि जो पैसे गवर्नमेंट की नजरों से बचे हुए हैं, गवर्नमेंट की नजर नहीं है उस पैसे पे, वो पैसे ब्लैक मनी, जो आपके जेब में पड़े हुए हैं, घर पे पड़े हुए हैं, जिसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, वो पैसे ब्लैक मनी है। जो पैसे खाते में है वही व्हाइट मनी है। गर्ल्स के पास ज्यादा ब्लैक मनी होती है क्योंकि ज्यादा पैसे छुपा कर रखते हैं। तो एक तरीका है आपके पास व्हाइट मनी को उसको बचने का, मैं बैग ला के रख दूंगा, उसमें रखते रहिएगा, बाकी मैं सही कर लूंगा, आप लोगों को बचा लूंगा इस। चलो ठीक है, ओवरऑल मतलब कि समझ गए ना ब्लैक मनी का क्या मतलब होता है। लोग ऐसे ही पैसे यहाँ से इकट्ठा करते हैं, अदर कंट्री में जाके स्विफ्ट बैंक के द्वारा पैसा चेंज करते हैं और ब्लैक मनी व्हाइट में बन जाता है, क्योंकि अकाउंट में जो पैसे आ गए वो आपकी व्हाइट। ठीक है, ये सब बातें होती। तो कई बार लोग चाहते हुए पैसे होते हुए भी लोग पूरा पेमेंट नहीं करते, कारण क्या होता है? वही बचना। तो जैसे कि मान लो हमें कोई एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट का नाम रहेगा, मान लो एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और प्रोडक्ट का नाम होगा कार, क्या रहेगा? एक हम प्रोडक्ट खरीदेंगे उसका नाम क्या रहेगा? कार। बिल्कुल बात मत करिए, सीधा बैठ जाइए आपको, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन चाहिए बहुत ज्यादा। प्रोडक्ट नाम कार रहेगा, उसकी जो प्राइस रहेगी कितने की? 5 लाख। जूम कर दें, दिख रहा है आप कितना है? 5 ही लाख है ना, 3 × 5 शिफ्ट है, प्राइस 5 लाख की होगी। अच्छा, डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है? कितना आपने पेमेंट कर दिया तत्काल, डाउन पेमेंट कितने का कर दिया? 3 लाख। क्या कर दिया आपने? 3 लाख क्या कर दिया आपने? पेमेंट कर दिया। समझ में आ रही बात ना? 3 लाख आपने पेमेंट कर दिया, तो कितना लोन रहा आपके बताइए? अगर 5 लाख का सामान खरीदे, 3 लाख पेमेंट करे, कितना लोन रहा? 2 लाख। ये बात सही है, 2 ही लाख होगा, लेकिन ये तरीका से लाना है फॉर्मूले से, इक्वल टू 5 लाख का कार था माइनस 3 लाख जमा कर दिए, कितना लोन हो गया? ये स्टेप करेंगे तभी सही आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। अब उसने बता दिया कि भैया आपको मैं टाइम तो दे दूंगा, लेकिन मैं आपसे क्या लूंगा? इंटरेस्ट लूंगा। कितना? तो हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी रेट होता है, अलग चीजें होती हैं। इसने कहा 7% आपसे ब्याज, और ये ब्याज कैसा होता है? इन लोग का पर एनम होता है, वार्षिक होता है। हमारे पास 5% लोग महीना ले रहे हैं, लेकिन इन लोग का क्या है? एनम, वार्षिक। अच्छा, कितने टाइम दोगे? मैंने कह दिया मंथ, मंथ मतलब टाइम, कितने मंथ की टाइम दे रहे हो? 60 महीने की, इन लोगों को 5 साल का टाइम दे रहे हो। और आपको अब क्या निकालना है? ईएमआई। भाई अगर आप 2 लाख रुपया लोन करा रहे हो और टाइम आपने मांगा 5 साल का, उसने 5 साल देगा ये कंपनी को? तो पैसे निकलवाने हैं आपसे, टाइम तो देगा ही देगा आपको, उसने 5 साल का टाइम दे दिया, टाइम दिया आपको, टाइम तो दे दिया उसने, तो क्या पैसे अगर टाइम के लिए वेट करेगा वो, तो क्या पैसे उतने ही लेगा जितना आपका लोन था? हाँ, क्या करेगा? उस पे ब्याज भी लेगा आपसे, क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा, ब्याज लेगा। नहीं देंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आ रही बात ना? तो यही बात यहाँ पे है। तो अब वही निकालना है आज की क्लास में हमें, कितना इंटरेस्ट इसका आएगा।
इसका इंटरेस्ट कितना आएगा वही निकालना है बाकी प्लान। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। तो ईएमआई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीएमटी। क्या होता है? पीएमटी, पीएमटी। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब मांग रहा है रेट, क्या मांग रहा है? रेट। तो बताओ उसका रेट में किसको सिलेक्ट करेंगे? एक्सेल में कुछ करना नहीं होता है, फार्मूला लगाइए, जो चीजें मांगता है वही चीजों को सिलेक्ट कर लीजिए, प्रोवाइड कर दीजिए, एक्सेल कहानी खत्म हो गई। अब बताओ मुस्कान खड़ी हो जाओ, बताइए आप। हाँ, प्राइस को ले लेंगे। नेक्स्ट, ऐसे एक एक करके बताते जाइए आप लोग, मैं सुन रहा हूँ सबका। हाँ, प्राइस और कोई बताइए, सब लोग बताते जाइए ऐसे। नेक्स्ट आगे बताते जाओ, बताइए मैम। जी हाँ, डाउन पेमेंट को ले लेंगे। ठीक है, डाउन पेमेंट को ले लिया। और नेक्स्ट, और बताइए बगल में। हाँ, क्या प्राइस? नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट? इंटरेस्ट। नेक्स्ट, हाँ इंटरेस्ट। नेक्स्ट और बताइए, लोन अमाउंट। और बताइए नेक्स्ट, बताइए प्राइस। प्राइस। और कोई बताते रहिए एक एक करके। लोन, लोन अमाउंट। ठीक है, और कोई है बताने वाला? बताइए प्राइस। हाँ प्राइस। और कोई? अब नहीं है कोई? तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि रेट का मतलब होता है दर। रेट का मतलब क्या होता है? दर। प्राइस का मतलब अलग होता है, रेट का मतलब अलग होता है, हम लोग गलत बोलते हैं। इसकी प्राइस का मतलब मूल्य होता है, रेट का मतलब दर होता है। ये दर क्या है यहाँ पे? दर क्या है? ब्याज की बात हो रही है, ब्याज की दर। दर क्या है? इंटरेस्ट। यानी किसको सिलेक्ट करेंगे? इंटरेस्ट को। एक कितने लोग इंटरेस्ट बोले थे? एक तुम। इतने लोग इंटरेस्ट बोल दिए थे, सुनाया एक ही था, हाथ तीन चार उठ गया। चलिए कोई बात नहीं, बैठ। अच्छा, अभी मैंने जस्ट क्या बोला कि इंटरेस्ट एक ऐसा होता है, पीए, पीए का मतलब खुशी, पीए का मतलब खुशी। बताइए पीए का मतलब, यहाँ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ ना, पीए का मतलब पर एनम, पीए का मतलब पर एनम, सालाना है। और हम निकाल क्या रहे हैं? मंथली निकाल रहे हैं ना, मंथ का निकाल रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे ताकि पता चले कि एक मंथ का हो जाए? अरे भाई मेरे पास 5 10 आम है और खाने वाले 5 हैं, कैसे बांटेंगे? एक आदमी के हिस्से में कितने आएगा? तो 5 यही कर रहा है ना, वैसे ही 7% ब्याज है, सालाना है। अब कितने लोगों में बांटना है? कितने लोग होते हैं साल में, कितने लोग होते हैं? 12 लोग होते हैं, यानी 12 महीने होते हैं, यानी 7/12, समझ गया ना? यानी 7 को डिवाइड कर देंगे किससे? 12 से 7 को किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से, तभी तो 1 महीने का निकलेगा। नहीं समझ आ रही बात? झूठ में कैसे, सच में? ठीक है, यानी कि क्यों डिवाइड करें 12 से, बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो 7% ऊपर एनम है, पूरा सिलेक्शन गड़बड़ हो गया, थोड़ा सुनने से कर लिए सही से, जो जूम कर दिए इसीलिए गड़बड़ हो गया। इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट ओपन, और रेट में रेट को सिलेक्ट कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? 12 से, कामा कर देंगे। अच्छा, एन पर का मतलब होता है नंबर पीरियड, एन पर का मतलब क्या होता है? नंबर पीरियड। और पीरियड का मतलब होता है समय की बात होती है, किससे रिलेट करता है? मंथ से रिलेट करता है। नहीं कहते लॉन्ग पीरियड है वो, लॉन्ग टाइम है वो, मतलब पीरियड का मतलब पुराने समय की जो भी है, तो पीरियड समय को दर्शाता है। तो इसलिए यहाँ पे नंबर पीरियड किससे रिलेट कर रहा है? मंथ से। यानी किसको सिलेक्ट कर लेंगे? मंथ, कामा। अच्छा, यहाँ पीवी, पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है यहाँ पे? प्रेजेंट की वैल्यू कितनी है बताइए? 2 लाख। यानी लोन अमाउंट को लेंगे। पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में किसको लेंगे? लोन अमाउंट को लेंगे। आई रिपीट, रेट में लेंगे इंटरेस्ट को, नंबर पीरियड में लेंगे मंथ को, पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू में लेंगे लोन अमाउंट को, कामा कर देंगे। और फ्यूचर वैल्यू मांग रहा है, यहाँ कोई फ्यूचर वैल्यू ऑप्शन दिया कुछ नहीं, तो फ्यूचर वैल्यू में क्या ले लेंगे?
फ्यूचर में क्या ले लेंगे? कुछ नहीं, छोड़ देंगे। और लास्ट में मांग रहे हैं टाइप, और याद रखिएगा टाइप में हमेशा हम लेते हैं वन, क्या लेते हैं? बस वन लिखिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। आगे बैलेंस कह रहा है, कह रहा है कि 3,960.25 देना है, लेकिन देखो डॉलर में आ रहा है ना, तो इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? ध्यान से देखना, नंबर जाएंगे, नंबर के सामने एक एरो बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, अगेन नंबर पे जाएंगे और ब्लैक वाला, ब्लैक वाला सिलेक्ट करेंगे, नीचे से सेकंड वाला। देखिए अमाउंट सही हो गया, यानी आपको कितना पैसा मंथली देना पड़ेगा? 3,960.25। अच्छा, ये एक मंथ में देना है ना, अब कितने मंथ तक देना है? 60 मंथ तक, यानी 60 बार देना है। कितनी बार देना है? 60 बार देना है, यानी इक्वल टू 3,960 देना है गुड़े गुड़े कितने बार? 60 टाइम्स इंटर, यानी आपको देना होगा 2,37,615। अच्छा, आपका लोन कितने का था? 2 लाख का था, और दे कितना रहे हैं? 2,37,615। कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं? यानी 37,615 क्या हुआ? समझ में आ गई बात ना? आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ईएमआई निकालना सीख गए आप लोग? एक बार फिर से कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इक्वल टू फार्मूला क्या होता है ईएमआई निकालने का? पीएमटी, लिख देंगे पीएमटी, ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे रेट में? किसको सिलेक्ट करेंगे? इंटरेस्ट को। उसके बाद क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे? 12 से, क्योंकि 7% सालाना है, हम निकाल रहे हैं महीने में, मंथली, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं 12 से। क्यों 12 से ही कर रहे हैं? क्यों नहीं 14 से कर दे रहे हैं? हाँ, साल भर में 12 ही महीना होता है। ठीक है, बढ़िया जवाब। तो 12 से डिवाइड कामा। अच्छा, नंबर पीरियड का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मंथ से रिलेट करता है। किसको सिलेक्ट करेंगे? मंथ, मंथ को ले लिया कामा। पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेते हैं? लोन अमाउंट। किसको लेते हैं? लोन अमाउंट कामा। फ्यूचर वैल्यू में कुछ लेते हैं? नहीं। टाइप में क्या लेते हैं? वन, और ब्रैकेट कर दीजिए वन, जहां वन वहां वन, बस हो गया। अब डॉलर में आया तो क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे? नंबर पे, एरो वाले पे आएंगे, नंबर पे जाएंगे और ब्लैक वाला सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो दिक्कत है क्या? आसान है कि नहीं आसान? कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ दो टाइप के लोग आएंगे आपके अंडर, पूछे कौन कौन से, कौन कौन से? कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे सर हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 3,960, हम सिर्फ 3,000 दे सकते हैं। जैसे आपका इंस्टॉलमेंट बनता है, कुछ लोग का 1,200-1,100 का भी बना होगा, है ना, कुछ लोग 1,500 वाले भी हैं। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो 1,500 दे रहे हैं, और जो नहीं कर सकते हैं वो 1,100, 1,000 या जो भी चल रहा होगा। तो मतलब दो टाइप के वर्ग के लोग वहां मिलते हैं। ठीक है, लास्ट में कौन आया है? क्यों टीसी? तुम्हारा भी टीसी नॉक कर जाए यहाँ से, ये देखो। ठीक है, पढ़ाई करिए, अक्सर सीरियस होकर थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग। तो एक टाइप के लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे सर हम 3,960 नहीं दे पाएंगे, हम 3,000 दे पाएंगे। और कुछ ऐसा भी कहेंगे सर हम 3,960 नहीं, हम 5,000। तो भाई कंपनी को तो दोनों की बात माननी है, कंपनी को तो पैसे लेने हैं तो दोनों की बात मानना पड़ेगा, चाहे हम आप अमाउंट बढ़ा के दें या घटा के दें। लेकिन आप अमाउंट घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा सीधा सीधा? किस पे? अब इतना धीरे भी नहीं बोलना कि सुनाई ना दे, तारीफ किया हो ठीक है, इंटरेस्ट पे, टाइम पे, सही है। अगर आप अमाउंट को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? समय पे, मंथ पे। और मंथ घटेगा तो ब्याज बढ़ेगा, अगर मंथ घटेगा तो ब्याज भी घटेगा, और मंथ बढ़ेगा मतलब समय ज्यादा लगेगा तो ब्याज भी ज्यादा लगेगा। ऐसा समझना, मैंने तुमको 10,000 रुपये उधार दिया, और आपको 10 महीने का टाइम भी दिया, और कहा 10 महीने में चुका दीजिएगा। और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आप 10 महीने की बजाय 20 महीने ले लिए। जाहिर सी बात है, आपने 1,000 के बजाय
बोलो दिया होगा, 5 ही 100 दिया होगा, यानी अमाउंट को आप घटाए हैं मंथ 10 के बजाय कितना हो गया, 20। अच्छा दूसरा कंडीशन, मैंने आपको 10,000 रुपये दिया, क्या कह रहे हैं, 20,000 हो गया है, 10,000 रुपये आपको दिया मैंने, और आपको दिया टाइम 10 महीने का कि 10 मंथ में चुका दीजिएगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आप 5 ही महीने में चुका दिए, तो जाहिर सी बात है जहां आपको 1,000 देना था वहां आप कितने दे दिए, 2,000 दिए होंगे, 5,000 5 महीने में चुकेगा, गजब का कंक्लूजन है, वहां आपने 2,000 दे दिया होगा, यानी अमाउंट बढ़ रहा है तो मंथ क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। अच्छा जब कम टाइम लगेगा पेमेंट को पूरा करने में तो जाहिर सी बात है ब्याज भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जब ज्यादा समय लगेगा अमाउंट पे करने में तो ब्याज भी क्या होगा, यानी अमाउंट को कम करे या अधिक करे उसका सीधा इफेक्ट मंथ पे पड़ेगा, और मंथ का इफेक्ट सीधा किस पे पड़ेगा, इंटरेस्ट पे पड़ेगा, कि जितना समय ज्यादा लगेगा ब्याज उतना ज्यादा लगेगा, जितना जितने टाइम ड्यूरेशन कम लगेंगे आपका इंटरेस्ट रेट उतना ही कम लगेगा, तो सिंपल सी बात है, आप अमाउंट को इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसका सीधा इफेक्ट मंथ पे पड़ेगा, और मंथ अगर इंक्रीज करेगा तो इंटरेस्ट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और मंथ डिक्रीज करेगा तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। तो दो टाइप के लोग हैं यहाँ पे, एक कह रहा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, हम 3,960 नहीं, हम 3,000 रुपए ही देंगे, और दूसरा कह रहा है सर हम 3,960 नहीं, हम 5,000 देंगे, तो दोनों की बातें माननी है। ऐसे कंडीशन में हम गोल शीट का यूज करते हैं, किस ऑप्शन का यूज करते हैं, गोल शीट, क्योंकि हमारे हेडिंग में ये बात कही गई थी, क्लास मेंटेन जो लोग चीटर हैं उन लोगों को जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे जाते मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ, देखिए गोल सिक टॉपिक का नाम है गोल सिक, सही है, चलिए तो गोल सिक का यूज कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी डाटा को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लीजिए और दो बार पेस्ट कर लीजिए दो जगह, कारण क्या है ताकि आप अंतर देख पाए कि क्या अंतर आ रहा है, एक बार अमाउंट को घटाएंगे एक बार बढ़ाएंगे दोनों में क्या अंतर आ रहा है, मैंने यही पेस्ट कर दिया, देखिए पेस्ट हो गया, कोई दिक्कत, पेस्ट हो गया ना, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, मुस्कान शट अप, यही डाटा कॉपी करके यही पेस्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं आई है, और यहाँ पेस्ट किया तो दिक्कत आ रही है, ऐसा क्यों, ये हैज क्यों आने लगा, क्या गलती हो गई, तुम सही खड़े हो जाए, ऐसे क्या फॉल्ट है, नहीं पता, याद हो खड़ी जाओ बताओ ऐसी क्या दिक्कत आ गई, अच्छा कॉलम चेंज हुआ इसलिए दिक्कत आ गई है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझा दूं, जब भी सेल, अच्छा गधे भी हैं पीछे, खड़े जाओ आकी बता दो बाबू, और आर्यन ठीक है, ये बोलते हैं कि सर सेल में स्पेसिंग स्पेस की कमी है, क्या बोलेंगे, स्पेस की कमी है जिससे कारण क्या आ रहा है, हैज आ रहा है, वो तो लास्ट ऑप्शन के साइज डिक्रीज कर, पहले हम यही बोलेंगे कि सर स्पेस की कमी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई इशू नहीं है सर, हाँ ये क्या है, स्पेस की कमी है, उस स्पेस को मेंटेन करेंगे सब सही हो जाएगा, किस कॉलम में स्पेस की कमी आ रही है, जी कॉलम में, कॉर्नर पे आइए डबल क्लिक करिए सब सही होंगे, कोई कमी नहीं थी, अगर किसी सेल में सिर्फ हैज 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 या हैज आ रहा है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बस स्पेस की कमी है, क्या कमी है, स्पेस की, लेकिन किसी सेल में हैज नेम बैठ जाइए आप लोग, हैज वैल्यू ऐसा आ रहा है मतलब कोई एरर है, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है समझ आगे ना, लेकिन सिर्फ हैज आ रहा था मतलब सब ठीक है, बस स्पेस की कमी, तो सब सही हो गया ना, तो चलेंगे गोल सीक के लिए, हम जाएंगे डाटा टैब में और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, क्या ऑप्शन मिलेगा, व्हाट इफ एनालिसिस क्लिक कर देंगे और यहाँ मिल जाएगा गोल सीक, तो गोल सीक पे क्लिक करेंगे। अब गोल सीक में तीन चीज आपसे मांगता है, पहला मांगता है सेट सेल, यानी सेल को सिलेक्ट करिए, सेलेक्ट सेट करिए, किस सेल को सेट करना है हमें,
किसमें चेंज करने जा रहे हैं हम लोग? ईएमआई को किसको सेट कर रहे हैं? ईएमआई को सेट कर रहे हैं 3960 के बजाय 3000 पर सेट करेंगे। अच्छा, टू वैल्यू में वह वैल्यू लिखते हैं जो वैल्यू हम देना चाहते हैं। कितना देना चाहते हैं? 3000 रुपए। तो जो भी चीज लिखते हैं अमाउंट, वो हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और लिख दीजिए कि 3000 रुपए हमको देना है, और ब्रैकेट क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। और चेंजिंग किस में आएगी? तो चेंजिंग आएगी आपके मंथ में। किसमें आएगी? मंथ में। अरे भाई बताया हूँ ना कि अमाउंट को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, सीधे इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मंथ पे। और मंथ का इफेक्ट इंटरेस्ट पे। और ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे कंपनी तुरंत मान गई आपकी बात, चलो भाई आप 3000 रुपए देना, कोई बात नहीं। लेकिन मंथ कितना था? 60 था, और कितना हो गया? यानी अगर अमाउंट घटा तो मंथ क्या हुआ? बढ़ गया। और मंथ बढ़ा तो ब्याज भी क्या होगा? तो देख लीजिए, अब आपको देना है 3000 रुपए, इक्वल टू 3000 रुपए देने हैं। कितनी बार देना है? कितनी बार देना है? 84 बार। यानी जितना मंथ उतनी बार ना, जितना मंथ उतनी बार इंटर। कितना देना पड़ेगा? 2 54 13। यानी यहाँ दे रहे थे 237000, 37000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यहाँ कितना ब्याज दे रहे हैं? ब्याज बढ़ा है घटा है? समझ में आ गया? दूसरा कंडीशन, हम 3960 नहीं, कितना देंगे? 3000 सुनिए ध्यान से, क्या करेंगे? वही कहां जाएंगे? व्हाट इफ एनालिसिस में, गोल शीट में। आप लोग बोलिएगा इस बार सेट सेल में क्या लेंगे? ईएमआई कहां 5000 लेंगे? ईएमआई टू वैल्यू में क्या लेंगे? कौन बोल रहा है 5000? विवेक है क्या? आगे बोल रहे हो, सी भी सही नहीं बोल रहे हो। अब वो नहीं है फंडामेंटल की, जो बोलोगे वही होगा। सेट सेल में क्या लेंगे? ईएमआई लेंगे। वैल्यू में क्या लेंगे? वह वैल्यू जो हम देना चाहते हैं। कितना? 5000, वो भी ब्रैकेट में। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। और चेंजिंग किस में आएगी? मंथ में। किसको ले लेंगे? मंथ को। और क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। देख लीजिए हो गया 5000, लेकिन मंथ क्या हो गया? घट गया कि बढ़ गया? कितना था? 60 था, कितना हो गया? तो देखते हैं ब्याज पे क्या इफेक्ट पड़ा। इक्वल टू 5000 रुपए देना था, गुणे कितनी बार? 45। अब कितना ब्याज देना पड़ेगा? 2,28,000। 2,28,000। समझा की बात ना? ब्याज सबसे कम कब लगा? जब हम अमाउंट को इंक्रीज किए तो मन डिक्रीज किया, और इंटरेस्ट भी क्या हो गया? डिक्रीज। कर लेंगे यूज इसका, रहने के और बता दें। ठीक है, तो चलिए हेडिंग नोट कर लीजिए वाला, और सेम टू सेम यही डाटा बनाइए। कारण क्या है कि अगर नए डाटा पे काम करेंगे तो वहां कोई बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि मान लीजिए जो भी लोग बैठेंगे आप लोग हर लोग अलग अलग डाटा बनाएंगे, तो बैठ के सब लोग बताते रह जाएंगे। एक डाटा पे आप लोग सब लोग बनाएंगे तो सब लोग को भी आसानी होगी। हाँ, आंसर सही आ जाएगा तो फिर आप लोग डाटा चेंज करके अपने हिसाब से बना लीजिएगा। फिलहाल में इसी डाटा पे काम करेगा, क्योंकि सब बच्चे अगर अलग अलग डाटा बताएंगे तो एक सर एक एक बच्चों को बताते रह जाएंगे। ठीक है, बताइए क्या वो नहीं आएगा? बाबू मेरी गलती थोड़ी है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, शॉर्टकट में देख लीजिए जल्दी से। बोल देता हूं मैं, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है बच्चों के लेके। चलिए देखिए, मैंने कहा था सिर्फ डाटा बना लीजिएगा आप लोग। क्या बना लीजिएगा? अभी तक कोई फार्मूला लगाया है? नहीं, बस हाथ से टाइप है। फार्मूला लगाना अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा इक्वल टू क्या लगाना है? पीएमटी रेट में क्या लेंगे? इंटरेस्ट को। और क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 12 से। क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने, जो 7% है वो पर एनम वाला है, कामा। नंबर पीरियड में क्या लेंगे? मंथ लेंगे, कामा। पीबी प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेंगे? लोन अमाउंट लेंगे, कामा। फ्यूचर वैल्यू में कुछ नहीं, टाइप में 1 1 लिख के ब्रैकेट बंद कर दिए। आंसर आ गया। और ये रेट में आएगा, इसका बैलेंस कहाँ चेंज करेंगे? नंबर के एरो वाले पे जाएंगे, अगेन नंबर पे जाएंगे और ब्लैक वाला सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। बताया है ना? ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया था? यहाँ किया था इक्वल टू 3960 रुपए आपको देना है, बूढ़े कितनी बार? 60 बार, ताकि आपको ये पता लगा सके कि आप कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं?
आपको देना 2 ही लाख रुपया था, लेकिन दे रहे हैं 2,37,615। कितना एक्स्ट्रा देना है? ठीक, मैंने फिर मैंने कहा इसी टेबल को क्या कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ लाके पेस्ट, और यहाँ भी लाके क्या कर लीजिएगा पेस्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि तीनों टेबलों में अंतर देख पाए। अब कहाँ जा रहे हैं आपको? डाटा टैब में, और कहाँ? व्हाट इफ एनालिसिस में, और कहाँ? गोल सीक में। अब आप लोग बताइए सेट सेल में क्या लेंगे, क्या लेंगे? ईएमआई लेंगे। टू वैल्यू में क्या लेंगे? वह वैल्यू जो हमें देना है ब्रैकेट में, वो भी कितना? 3,000 रुपए, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अच्छा, चेंजिंग किस में आएगी? मंथ। किसको ले लेंगे? मंथ को ले लेंगे और ओके कर देंगे। हो गया सही? इसका भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इक्वल टू 3,000 रुपए देने हैं गुड़े कितनी बार। सेम काम यहाँ भी, डाटा वाटी एनालिसिस गोल सीक, सेट सेल में ईएमआई की वैल्यू, कामा जिस टेबल पर काम करेंगे उसी ईएमआई सेलेक्ट करेंगे, टू वैल्यू में कामा नहीं जी, टू वैल्यू में वह वैल्यू जो हम देना चाहते हैं 5,000, ब्रैकेट बंद करिए, और चेंजिंग किस में आएगी? मंथ में। ओके ओके, अब इसका भी देख लीजिए कितना ब्याज दे रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू 5,000 गुड़े। तो दिक्कत है कि हो जाएगा ना, तो डाटा बना लीजिए आप लोग फटाक से जल्दी से। डाटा बन गया है, बना लीजिए तो फार्मूला लिखवा दे एक बार। चलिए अब फार्मूला लिख लीजिए, ईएमआई के लिए फार्मूला क्या होगा? इक्वल टू पीएमटी, इसके लिए फार्मूला है, हेडिंग बना लेंगे क्या है, ईएमआई इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट, सिलेक्ट आईएनटी लिख दे, समझ जाएंगे आप लोग आईएनटी मतलब, और डिवाइड करेंगे किससे, कामा करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे किसको, मंथ को, कामा करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे लोन अमाउंट को, उसका क्या करेंगे टाइप में कर लेंगे बस, और ब्रैकेट कर लेंगे बंद। नोट कर लीजिए ईएमआई का फॉर्मूला है, हो गया। अगला लिखिए, और अगला क्या था? गोल सीक, गोल सीक के लिए कहाँ गए थे? डाटा टैब में, डाटा टैब के भीतर क्या ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था? व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस, उसके बाद क्या ऑप्शन था? गोल सीक का, क्या ऑप्शन था? गोल सीक। गोल सीक का ऑप्शन था ना, उसके बाद क्या करना था? उसके बाद तीन ऑप्शन खुल के आ रहे थे, क्या था? सेट सेल, और क्या था? टू वैल्यू, और क्या था? क्या
बाय चेंजिंग शेल, तीन ऑप्शन पूछ रहा था आपसे, बाय चेंजिंग शेल। हाँ सेट सेल में क्या रहे थे, सिलेक्ट ईएमआई, किसको सिलेक्ट कर रहे थे, ईएमआई को, और यहाँ क्या ले रहे थे, अमाउंट ले रहे थे, वो भी किसमें, ब्रैकेट में, और यहाँ क्या ले रहे थे, सिलेक्ट मंथ, किसको सिलेक्ट कर रहे थे, मंथ को, लिख लीजिए, बस हो गया, बस इतना ही करना है आपको, नोट कर लीजिए। तो आज ये कर लीजिए, अगली क्लास काफी इंटरेस्टिंग होगी, कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि इससे ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी टॉपिक बचा हुआ है, अभी तो बस स्टार्टिंग था इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।